किया था ना सर, तो ये सेशन उसी समय लिया था, हाँ और हम लोग का गोल क्लियर था कि हाँ कैसे कि करना, खूब प्रैक्टिस कराना है बच्चों क्या का। करना, वो हुआ कि नहीं हुआ बच्चों से ये पूछना था, और पूछना हाँ था कि और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम मिल गया है कुछ दिन का, और हाँ कुछ समय टाइम मिल तो गया है कि क्या आप कर लोग। सकते हैं हम लोग इनके लिए। हाँ तो पहला क्वेश्चन तो यही लेते हैं कि भाई क्या सीखा आप लोगों ने, ठीक है ना। परवीन सर भी आ चुके हैं शायद। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रवीण बोल रहा हूँ। हाँ हाँ नमस्कार सर जी, बच्चों के तो कोई, सबसे पहले बच्चों से यही पूछ लेते हैं सर, आप बताइए भाई, आप अपना माइक ऑन करके एक एक करके बच्चा बता। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल हाँ जी रेस्पेक्टेड ऑल प्रोफेसर एंड ऑल डॉक्टर्स हियर। सर मैं बताना चाहती हूँ कि वीकेंड बैच जो हमारी थी पहले तक तो मतलब एक बोला जाए कि मास्टर्स में जिस वे से जिस अप्रोच से हमें बताया जाता है उस वे से नेट क्लियर करना तो पॉसिबल है ही नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें जिस तरह से बस थ्योरम्स हाँ बस लिखवा दिए फिर उससे प्रूफ करवा हाँ दिए हाँ, बट उस अप्रोच से अगर नेट क्लियर करना जाए तो ये इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से। और फिर मैंने आनंद सर की क्लासेस ज्वाइन की रेगुलर बैच, तो उसमें बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि हाँ सर ने बहुत अच्छे से बिल्कुल बताया, प्रोटीन सर। टॉपिक वाइज टेस्ट लीजिए 2-3 दिन के इंटरवल में। अब टॉपिक वाइज का टाइम तो नहीं ना भाई, कि अब मैं वो टॉपिक पूरे होंगे भी नहीं अब तो, कि एक दिन कंटिन्यूटी का एक दिन डिफरेंसिबिलिटी का, अब तो फुल का टेस्ट होगा। टॉपिक वाइज इतने ले सकते थे हमने ले लिए। अब लास्ट लास्ट मोमेंट पे तैयारी कैसे करें, अभी भी आपके पास लगभग 25 दिन तो होंगे, तो 25 दिन है आपके पास है, तो अभी भी 10-15 दिन के आसपास तो आप डीप स्टडी कर सकते हो ना। तो लास्ट के 10 दिन में तो डीप स्टडी नहीं कर सकते ना, लास्ट के 10 दिन तो आपको रिवीजन करना है बार बार बस। और रिवीजन भी ऐसे नहीं है कि पूरे बंडल उठा के सारे पेज पलटोगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। 10 दिन तो आपको रिवीजन करना है बार बार बस। और रिवीजन भी ऐसे नहीं है कि पूरे बंडल उठा के सारे पेज पलटोगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, थ्योरी तो बहुत थोड़ी मिलेगी ना। तो वो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि भी शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो ना अपने। तो लास्ट के 10 दिन के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार करो अपने। अब टाइम है आपके पास शॉर्ट नोट्स बनाने का, और 10 दिन से पहले उनको बार 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 रिवाइज करो बस। डीप स्टडी मत करो उसके बाद उस टाइम पे, कि भाई जाके पूरा एनालिसिस कर रही है, सब मत करो, ठीक है ना। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, जितने बार उनको रिवाइज करोगे एग्जाम तक उतनी बातें याद चली जाएंगी आपके माइंड में, एग्जाम के बाद भूल जाए वैसा कोई बात नहीं। जानते हैं सर, हाँ जी ये कह रहा था कि सौरभ सर को बोलने दीजिए लास्ट 25 दिन में कैसे तैयारी किया जाए हाँ जी बच्चों के लिए, हेल्पलाइन आप, मैं मौका देता हूँ सौरभ सर को। डॉक्टर सर में आइए, सौरभ सर थोड़ा बहुत ही सा बताए, स्मार्ट पर्सन क्योंकि है। क्योंकि क्या कहते हैं, प्लानिंग में सौरभ सर का जवाब नहीं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। सौरभ सर बिहार से हैं, तो बिहार के तो बहुत बच्चे हैं हमारे पास। नहीं, दोबारा कुछ दिनों का मौका मिला है, कुछ दिनों की तैयारी करने की, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम्पल लूँ, अगर किसी ने नॉन होमोजेनियस हीट इक्वेशन प्रिपेयर नहीं किया है तो अब उसको टच करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर किसी ने लैपलास ट्रांसफॉर्म या किसी से रिलेटेड, उस तरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को डील नहीं किया है, अब तक प्रिपेयर नहीं किया है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी टॉपिक जो अब तक टच नहीं किया है, अभी बिल्कुल मत करें, किसी भी की तरह के प्रलोभन या लालच में ना आए कि उस टॉपिक को थोड़ा देख लें, उस टॉपिक को देख लें, इसमें आप अपने प्रिपेयर टॉपिक को ही छोड़ दोगे। अभी समय यही है कि आप अच्छे प्रॉब्लम को रिवाइज कीजिए। व्हाट आई वुड से कि जो अच्छे टिपिकल प्रॉब्लम होते हैं, खास करके पार्ट सी के प्रॉब्लम जो आपको नहीं सॉल्व हो रहे हैं लेकिन वो टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है, आप उन क्वेश्चंस को डील करें, आपको अपने आप वो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। क्योंकि एक पार्ट सी का प्रॉब्लम, अगर लिनियर अलजेब्रा की बात करें, मान लेते हैं किसी भी टॉपिक से
अगर उसमें चार ऑप्शन है तो वो चार नहीं, छह सात क्वेश्चंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और अगर आपने उसको डील किया, उसको सॉल्व किया, उससे रिलेटेड चीजों को रिवाइज किया, तो आपने टॉपिक रिवाइज कर लिया, ठीक है ना। और आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, योगेश सर ने बताया है, जैसा कि वो क्लास में भी प्रिपेयर कराते हैं शॉर्ट नोट्स। इट डिपेंड्स अपॉन योर कन्वीनियंस कि आपने उसको कैसे बनाया है। किसी के शॉर्ट नोट्स लेंगे तो आपकी आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा कि आपने किसी का शॉर्ट नोट्स ले लिया और आप उसको रिवाइज कर रहे हैं। आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ चीज़ें आती हैं तो वो नोट्स में नहीं शामिल करता है, कुछ लोगों को वो चीज़ें आधी आती हैं तो वो थोड़ा बहुत शामिल करता है। तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब इतने कम समय में तो नहीं बन पाएगा तुरंत, तो बेहतर है कि क्वेश्चंस को डील करें जो कि नेट और सीएसआईआर लेवल के होते हैं। और बेसिकली जो भी क्वेश्चन सीएसआईआर नेट में आते हैं, वो ऐसा नहीं है कि किसी हॉफमैन कुंजे या किसी खास बुक से उठा करके आपको दे दिया गया है, ठीक है ना। ऐसे प्रॉब्लम आप देखते होंगे जो कि फर्स्ट टाइम आपको नेट में दिखता होगा, वो सभी एक ऐसे रिसर्च या रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रिलेटेड होते हैं, उनके स्कॉलर्स डील कर रहे होते हैं, वो एक दो ऑप्शन डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जैसा किसी स्टूडेंट ने अभी कहा कि मुझसे पार्ट सी के प्रॉब्लम डील नहीं होते हैं, जब मैं पढ़ तो लेता हूँ, जब जाता हूँ तो डील नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चंस को लें जो आपने पहले थोड़ा बहुत देखा है, सॉल्व खुद से नहीं किया है, सर ने कराया है, लेकिन आप खुद देखिए कि विदाउट किसी सॉल्यूशन मैनुअल के नोट्स के, क्या आप उसको पेन पेपर पे लिख करके सॉल्व कर पा रहे हैं। ये मत सोचिए कि ऐसा हो गया तो फिर तो कॉन्फिडेंस ही आ जाएगा सर। हाँ हाँ, क्योंकि अब समय प्रिपरेशन का नहीं है, अब अपने कॉन्फिडेंस को हाई करने का समय, हाई करने के ठीक है ना। और एक स्थिरता पूर्वक, खड़बड़ाना नहीं है कि हम बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि एड्रेनलिन जो आपके शरीर में है उसको कंट्रोल करना है एग्जाम में। कई बार ये बहुत ऐसे बड़ा डाउट है सर बच्चों का कि कैसे माइंड को कंट्रोल करें, ये हड़बड़ा जाते हैं ना बहुत ज्यादा। नहीं, कई लोगों को मैंने देखा है सेंटर पे जाते हैं, पहले 10 मिनट में ही पूरी तरह डिमोरलाइज हो जाते हैं, अगल बगल के लोगों को देखते हैं कि अरे वो उस कोचिंग से है, वो उस कोचिंग से है, वो इतने नोट्स लेके आ गया है, रोड किनारे खड़े होकर रिवाइज कर रहा है, बहुत सारी हाँ, चीजें बस हैं, में एक बैठ के दूसरे रिवाइज को कर रहा एक दूसरे को देख करके। अब मैंने तो है। कभी भाई कोई एग्जाम में, जिस दिन मैंने रात में मैं सोया, सुबह एग्जाम देने जाना है, बस सुबह प्रिपेयर हुआ, गया नाश्ता पानी करके, कूल माइंड बस से अच्छा सर, ऐसा इतनी। क्वेश्चन हमेशा आते रहता है कि ये किसी बच्चों के या तो ज्यादा ऑप्शन लग जाते हैं सी पार्ट में या कम ऑप्शन लगते हैं। चार दिया हाँ हुआ है 3 लगा, 3 दिया हुआ है 2 लगा, और ये कम वाला ज्यादा देखने को मिलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 ऑप्शन है तो 3 लग गया, 4 लग गया, तो इसको कैसे नहीं, देखा जाए? देखिए, एक तो अगर आपके चार ऑप्शन है, जैसे देखिए बेसिकली पार्ट सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ही नहीं, कोई भी अगर ये डील करता है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पार्ट सी, तो ऐसा नहीं। पार्ट सी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस उसने लिखने से आपको आजादी दे दी है कि आपको लिखना नहीं, आंसर लिखना नहीं। तो अब है कि वो क्या करेंगे कि आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे टेस्ट करेंगे कि हाँ इन चीजों में आप कितने माहिर हो चुके हैं, या कितने जल्दी चीजों को माइंड आपका क्लिक कर पाता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी जो बचे हुए, मान लीजिए कि जैसा कि मैंने देखा है कि जुलाई में अब एग्जाम है, कल ही मैंने भी देखा है, कुछ दिनों में मैं जानता हूं कि कई बच्चे नए टॉपिक उठा लेंगे, नोट्स बनाने लगेंगे, कुछ फंडामेंटल बेसिक पे चले जाएंगे, रियल एनालिसिस के वैसे थ्योरम पढ़ने लगेंगे जो बिल्कुल बेसिक वाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें, गलतियां करते हैं, और यही समय है आपको अपने स्ट्रेंथ पे जाना है। अगर आपको लगता है कि आपके लीनियर अलजेब्रा अच्छा पढ़ा है, तो आप उससे रिलेटेड पार्ट सी के प्रॉब्लम को विदाउट एनी उसको और स्क्रीन को स्ट्रॉन्ग करें। देखे, सॉल्यूशन को देखे, पेन पेपर से सॉल्व कीजिए। जब तक आप अपने हाथ से पेन पेपर पे नहीं सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं होगा। और कभी मेमोराइज मत कीजिए सॉल्यूशन को, उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन नया आने वाला है, पहली बात। दूसरी चीज ये है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपके टॉपिक्स जो आपको लगते हैं स्ट्रांग है, ये आपको लगता है कि स्ट्रांग है, सबसे बड़ी बात ये स्ट्रांग है या नहीं है, ये डिसाइड आप नहीं करेंगे, वो एग्जाम का क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड खुद में करना है कि मैं कौन सा टॉपिक पे ज्यादा स्किल अपने बढ़ाऊं, और अगर टॉपिक वाइज आप करें तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आप 100% करके जा सकते हैं, कुछ ही टॉपिक आप कर सकते हैं 80%, 90%, कुछ टॉपिक आप 20% से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर इंटीग्रल ये इक्वेशन में अच्छे क्वेश्चन आने लगे, तो आपसे कभी नहीं हो पाएगा उतने कम टाइम में, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रल इक्वेशन ज्यादा सॉल्व मैनुअल टाइप का होता है,
और एक अलग लेवल का कॉन्सेप्ट उसमें जुड़ा है, कुछ फंक्शनल एनालिसिस भी इन्वॉल्व होते हैं उसमें, बहुत तरह की चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टॉपिक पे कितना टाइम मैनेज अपना अभी करना चाहते हैं। यही समय है कि अपने उन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए जो आपका अच्छा लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग है। ऐसा क्वेश्चन देखने को अक्सर आता है कि बच्चे ये पूछते हैं कि पहले ए पार्ट किया जाए कि पहले बी पार्ट किया जाए हाँ कि हाँ पहले बहुत अच्छी सी, बात पूछ ये रहे। बहुत लोग पूछते हैं इस चीज को, तो थोड़ा सा इस पर बताइए। देखिए जहाँ तक मेरा अनुभव है, आप मेरे हिसाब से, क्योंकि आप मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन लास्ट में काफ़ी ज़्यादा करके जाते हैं, जनरल साइंस की चीज़ों को आई डोंट थिंक कि कोई स्टूडेंट लास्ट एक दिन पहले ज़्यादा रिवाइज करके जा रहा हो या लास्ट 2-4 दिनों में। तो मेरा कहना है कि आप सबसे पहले तो पार्ट बी और पार्ट सी पे जाएं, ठीक है। पार्ट बी जिसमें कि एक एक चॉइस सेलेक्ट करना है, वो सबसे अच्छा होता है आपके कॉन्फिडेंस को हाई करने के लिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पहले उन पे अटैक कर दो हाँ कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहे, स्टेटमेंट बेस वाले कर दो सारे सोल्व, और मैं यही ताकि कहूंगा कि कैलकुलेशन करने ना अगर पड़े। आप, अगर आपका पार्ट बी आपको लगता है कि आपका अच्छा जा रहा है, तो आप तुरंत पार्ट सी पे चले जाओ, फ्लो को बिल्कुल तोड़ने मत दो। अगर पार्ट बी में आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो 2-4 अच्छे क्वेश्चन जाके पार्ट ए के बना लो, थोड़ा खुशी होगी मन में, फिर जाओ, ठीक स्कोर बढ़ेगा, खुशी होगी। है। जी हाँ चलिए, अच्छा सर, आज डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, ये लास्ट मोमेंट में आप लोग कैसे करते हैं? क्योंकि देखते हैं कि जहां तक एकाएक बच्चा एक आ गया आपके पास, एकाएक क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं, रियल रियल बना रहे हैं, लिनियर आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया, मॉडर्न आ गया, कोई आ गया, तो एकाएक कोई चैलेंज आता हो तो उसको कैसे करते हैं? या लास्ट मोमेंट में एज ए एग्जामिनी, आप ही एग्जामिनी रहे हैं, तो कैसे क्या खाते हैं? बच्चों का अक्सर ऐसा क्वेश्चन रहता है कि क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, माइंड को रिलैक्स कैसे रखा जाए। सर लास्ट टाइम पे क्या होता रहा कि 15 दिन पहले तक, एग्जाम के 15 दिन पहले तक जो है मेनली जरूरी है कि कैंडिडेट जो होते हैं ना उन्हें अपने ऊपर धैर्य रखना चाहिए, ठीक है। उसमें ये जरूरी है कि उन्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि जो कुछ भी करना है वो सिर्फ उन्हें करना है, कोई बाहरी नहीं करेगा आकर के, और सब वही करेंगे। रही बात उसमें कि डिप्रेशन में चले जाते हैं काफी लोग, डिप्रेशन में नहीं जाना होता। डिप्रेशन क्या होता है कि तब आता है ना जब हम प्रैक्टिस या रिवीजन नहीं कर पाते हैं, दूसरों को देखते हैं कि वो पढ़ाई किए पढ़ा है, वो पढ़ाई किया है, तो इसका सीधा सा एक सरल सा वो होता है कि वो पढ़ाई कर रहा है, अगर एग्जाम के 1-2 दिन पहले तक की बात कर रहे हैं, एग्जाम के जस्ट मेन पॉइंट की बात नहीं करेंगे। तो रिवीजन सिंपल सा इसका वो है, रिवाइज करिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए, लेंगे जो आप कर पा रहे हैं, जो आप जानते हैं वो भी चला जाएगा हाथ से। खाने पर पीने पर भी कुछ असर पड़ता है हाँ क्या? हाँ खाने पीने का असर ये है ना कि सर 15 दिन पहले, एग्जाम के 15 दिन पहले से आप बाहर का कुछ भी नहीं खाएंगे। हाँ अच्छा क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ आपने खा लिया बाहर का, और अगर वो मान लीजिए नुकसान कर गया, क्योंकि फूड पॉइजनिंग बाहर खाने से फूड पॉइजनिंग मेन कॉज होता है, उसमें जरा सा भी अगर ऊपर नीचे हो गया तो सब चला जाना है हाथ से। फिर सोना अगर का एग्जाम क्या है सर? सोने का सर ये है ना, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, सोने का ये है कि एग्जाम के आप 1 हफ्ते पहले, कम से कम 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले करें तो और सही है, आप रात में लगभग 10-11 बजे तक सो जाइए, और सुबह 6 बजे या 7 बजे तक उठिए। मिनिमम 10 दिन पहले आपको 8 घंटे हर हाल में सोना है, कम सोएंगे आपकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी, आप दिन भर सोते रह जाएंगे फिर। और टाइम देखिए सर, रात में ही सोना है, दिन में नहीं सोना है कि आप सोचे कि आप रात में पढ़ाई कर लें, दिन में आप मैनेज कर लेंगे, सो करके नहीं कर पाएंगे। मैं भी करता हूँ, मुझसे नहीं हो पाता, अगर रात में जब ज्यादा जग लेता हूँ या ज्यादा ड्यूटी कर लेता हूँ दिन भर में सोता रह जाता हूँ, और योगेश सर, इसलिए लगता है एग्जाम। कि एग्जाम आपका फर्स्ट हाफ में 9 बजे से ही है, हाँ 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 तो 9 बजे ही है, सर आप और बताइएगा उसी के हिसाब से, क्योंकि 9 बजे जाने, एग्जाम चालू होने का मतलब 6 बजे निकलना होता है घर से, हाँ तो फिर तो आप दस प्रैक्टिस वैसी ही रहनी चाहिए बच्चों की। दस उसके बजे अकॉर्डिंग दस हैबिट है। उसके अकॉर्डिंग एक मतलब उसके 1 हफ्ते पहले तक जो आप 10 बजे शाम को रात में सोने की आदत डालिए, और 5 5:30 तक आप उठ जाएंगे, 7.5 घंटे आपके हो जा रहे हैं उसमें, ठीक है। आप 6 बजे 7 बजे तक या 6:30 तक आप एग्जाम के लिए निकल लीजिए घर से, आप मिनिमम 7 घंटे आपको रात में सोना है, यकीन मानिए। अगर आप नहीं कर पाएंगे ना तो आप 1 दिन का एक्सपेरिमेंट करिए, अभी के टाइम पे आप किसी दिन आप ज्यादा जग लीजिए, अभी अभी हाल फिलहाल 1 दिन रात में आप ज्यादा जगेंगे, यकीन मानिए अगले दिन आप दिन भर सोते रहेंगे, आप दिन भर मतलब किसी चीज में आप फोकस कर ही नहीं पाएंगे। और अभी अभी 25 दिन का टाइम है,
20 दिन अभी से स्टार्ट कर दो, 20 दिन के बाद हैबिट ही बन जाएगी। हाँ एक हफ्ते में हाँ हैबिट ना बने तो 20 दिन में तो हैबिट ही बन जाएगी। आराम से उसमें यकीन मानिए सर, अगर आप हाँ रात में सो लेंगे ना तो आपको दिन में सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बिल्कुल 8 घंटे सोए बिना आपका काम चलेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अगर आप रात में 4 घंटे सोएंगे तो आप दिन में 5-6 घंटे सो जाएंगे, दिन में आलस के मारे अलर्टनेस चली जाती है उसमें। फिर मैं अभी बताता हूँ, मैं अभी प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं किताबी बातें बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ मैं। मैंने भी ड्यूटी करी है, मैं सफदरजंग में था तो मैं 48 घंटे लगातार ड्यूटी करता है, 24 48 घंटे कंटिन्यू, आप बाप भरोसा रे। नहीं करेंगे, मैं 2 दिन लगातार सोता रहता था, अगले 2 से लेकर 2.5 दिन लगातार सोता था। कहने को था कि 2 दिन ड्यूटी करते हैं, लेकिन इस तरह मेरे कम से कम 5 दिन चले जाते थे, 2 दिन ड्यूटी के 3 दिन सोने के। इसलिए आप रात में सोइए, एग्जाम टाइम है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बता रहा हूं कि बिल्कुल। आप 10 बजे सोइए, 5 बजे 5:30 बजे उठ जाइए बस। और ऐसा देखने में आता है सर कि एग्जाम के पहले जो बच्चों का माइंड है वो जी हाइपर एक्टिव हो जाता है। नहीं, उसके लिए आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, इसके लिए जरूरी है ना, बड़ी सांस खींचिए और बड़ी सांस छोड़िए, पूरा फेफड़ा भर के सांस अंदर लीजिए, फेफड़ा भर के सांस छोड़ दीजिए। इससे क्या रहेगा ना, जितना दिमाग में एक्साइटेशन लेवल होता है ना, जितना एक्साइटनेस रहती है या जितना ओवरफ्लो रहता है, सब एकदम सबसाइड कर जाता है उसमें। ब्रीदिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज। है ये हाँ भाई, बहुत तो सर वो करता है इसमें, अगर मेनली अगर कभी कभी इंस्टेंट होता है इंस्टेंट असर करती है तो। हाँ एकदम परफेक्ट। अगर आपका किसी पेशेंट किसी का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आप 10 बार बड़ी सांस खींचिए, बड़ी सांस छोड़िए, फटाक से बीपी डाउन कर जाता है उसमें। अक्सर तभी तो नहीं मैं ठीक बच्चों को बोल समझते। रहा हूँ सर, एक मिनट, पहले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कीजिए 1 घंटा भर, तो फिर उससे आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा 1 घंटे बाद। फिर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कीजिए 1 घंटे अगले, और लास्ट के 1 घंटे जो ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत है, और लास्ट के 10-15 मिनट पे एक दो तुक्का मारना, तो 2-4 क्वेश्चन भी मार भी सकते हैं। क्वेश्चन सर ध्यान बिल्कुल से, मेन सर इसमें ये है ना, क्वेश्चन जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में आधा आंसर छिपा रहता है, आप बिल्कुल रफली मत पढ़िए क्वेश्चन को, आराम से आप एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, आराम से में आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, बाकी आधा आप दिमाग लगाए के सॉल्व कर जाएंगे उसको। मेन तो बात अपनी सब अभी 25 दिन साइकोलॉजिकल है। हैबिट बना लो बच्चों, जल्दी सोने की जल्दी उठने की, और 20 दिन जो काम लगातार कर दिया, 21वें दिन अपने आप हैबिट बन जाती एक एक बात मैं कहना चाहूंगा, सर ने बहुत है। हाँ अच्छी जी बात कही कि सोने का जो रोल है काफी ज्यादा है लास्ट 10-20 दिनों में, और इस बात का भी काफी बड़ा रोल होगा कि जिस टाइम पे हमारा एग्जाम शेड्यूल्ड है उस हाँ, तीन उस टाइम पे घंटे में बिल्कुल एक्टिव होना उस चाहिए। वो 3 घंटे का जो आवर रहेगा, 10 से 1 का समय है, 2 से 5 का अगर शेड्यूल है, तो उस 2 से 5 में आपको प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है बैठ के लगातार 3 घंटे, हाँ, आपको नौ से बारह हैबिट सर। बनानी, वो कहते हैं ना कि उसको हैबिट बनानी है उस तरह की, कि हर दिन आप 3 घंटे दे रहे हो, ताकि उस दिन ये ना लगे कि हम एग्जाम दे रहे, लगे बस हाँ, वही एकदम से चीज है सडन जो चेंज ना पिछला हो। पिछला 20 दिन जिस तरह हम कर रहे थे, 3 घंटे का एक स्लॉट था मेरे लाइफ का हर दिन का, कि मैं 3 घंटे एग्जाम दे रहा हूँ रूम में बैठ के, ठीक वही एक दिन होगा जिस दिन आपका एग्जाम होगा, वही 3 घंटे होगा, ठीक है? तो वो 3 घंटा जो टाइम है, जैसे 10 से 1 एग्जाम है, तो किसी दिन खास करके आखिरी 1-2 वीक में, वो 10 से 1 वाले टाइम में आप कुछ और ना करें, उस 10 से 1 में आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, बिल्कुल CSIR नेट के लेवल के प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना? वो 3 घंटे आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा, और वो ऐसा भी हो सकता है कि उस दिन जा करके आपका थोड़ा माइंड अगर डल भी फील कर रहा है, तो जैसे ही वो 10 बजेगा या 2 बजेगा, ना, आपका वो माइंड हैबिट के उस अकॉर्डिंग आ लेवल पे जाएगा। आ जाएगा, ठीक है ना? तो इस बात को जरूर ध्यान दें। कई बच्चे ऐसे होते हैं एग्जाम के जस्ट कुछ दिन पहले, जैसा सर ने बताया कि रात रात भर 3 बजे 4 बजे 6 बजे तक जगे रहते हैं, चाय पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और दिन में कभी भी सो जा रहे हैं, कभी भी कुछ कर ले रहे हैं, अगर जनरली एग्जाम वही के पहले सर ऐसा करेंगे तो आप एग्जाम टाइम भी मिली वो सोते रह जाना होता है फिर। उसमें आपका माइंड डल फील होगा। और ये जैसा कि सर ने कहा कि आधे क्वेश्चंस का आंसर तो उसी में छिपा होता है आंसर, कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, तो इसके लिए पार्ट सी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट सी के लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चंस, आपको उसको बहुत ही धैर्य से पढ़ना होगा। बहुत बार मैंने देखा है बच्चे पढ़ते हैं पढ़ते हैं, अचानक उनको लगता है अरे कुछ अटपटा है, आगे निकल गए, तो आपने तो उतना समय दे दिया और आगे निकल गए, आपको लगा कि होगा ही नहीं। अब बाद में जब कोचिंग में आकर के दूसरे बच्चे या दोस्त या टीचर बताते हैं ये तो बस ऐसे था, तो अफसोस होता है, अरे थोड़ा देर रुक लेते, घर आके थोड़ा सारा सोल्व कर पढ़ देते लेते। खुद, तो घर आके खुद सारा हाँ, सोल्व कर देते हैं। तो वो चीज है चल के ये सुन ऐसा। के बच्चे जो लोग हैं अभी खूब चाय पी रहे हैं,
लगातार रात रात पर चाय पी रहे हैं, वो छोड़ देंगे डॉक्टर साहब की बात सुन कुछ करके। कुछ दिन के लिए हैबिट बना लो, एग्जाम तक बातें याद रहे, एक्टिव रहे, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। नहीं, ये अजीत जी ऐसा है कि बच्चों के साथ या हम लोगों के साथ भी ऐसा ही था, ऐसा कुछ नहीं है कमोबेश, लेकिन ये सच है कि जब बच्चे से एस आई आर जे आर एफ क्रैक कर लेते हैं या कर लेंगे, आई होप कि सभी का हो जाए, और जिस दिन वो फिर इंटरव्यू की तैयारी करेंगे उस दिन उनको एहसास होगा कि ज़्यादा पढ़ने से और खूब टाइम बैठे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्वालिटी पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो यार क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद वो कुछ दिन पढ़ना छोड़ देते हैं, महीने 2 महीने, हाँ और फिर जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं या इंटरव्यू देने जाते हैं ना, वो चीज़ भी भूल के जाते हैं जो उनको अच्छे से आती थी। बिल्कुल ठीक है ना, तो बिल्कुल। कंटिन्यूटी एग्जाम के बाद भी बरकरार रखना है, क्योंकि रिजल्ट्स अगर आपके फेवर में नहीं हुए तो 6 महीने बाद फिर आपको बैटिंग के लिए उतरना अब है। आपके बाद तो 4 महीने का मौका मिलेगा, 4 महीने का मिलेगा। हाँ, जुलाई जो भी हो। जुलाई तो निकली गया हाँ, एग्जाम में। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसी एग्जाम के लिए कंटिन्यू करना है, क्योंकि आप जिस लाइन में जा रहे हैं आपकी लाइफ यही है, आपको यही पढ़ना है, यही करते रहना नहीं, है, ये यही मेरा एक सब। बहुत क्वेश्चन था सर, मैं सोचता था कि लास्ट में पूछूंगा आपसे अपने बच्चों के लिए, लेकिन नहीं, उसका मूवमेंट बन गया है तो अभी पूछता हूँ। दरअसल आप MSc किए, MTech किए, PhD किए, अभी पोस्ट PhD कर रहे हैं, तो ये चीज कैसे जाते हैं, वो सोर्सेस क्या हैं कि जहां जो बच्चे JRF करके, कई क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि अपना JRF नहीं भी किया ना तो MSc करके निकल जाते हैं, तो वो रास्ता क्या है, या हाँ, JRF जब मैं करके जाते हैं या MTech या PhD करके पोस्ट PhD करने के लिए बाहर जाते हैं, तो थोड़ा सा हमारे बच्चों को ये समझाइए कि वो JRF देखिए करने के बाद ऐसा क्या देखिए, करें। ऐसा ऐसा है कि जब मैं, अभी तो मैं पायम में नहीं हूँ वहाँ पे, जब मैं वहाँ पढ़ा रहा था, मैंने कुछ बच्चों को ऐसा सजेस्ट किया था, उनके JRF नहीं हो रहे थे, उनके गेट में नॉर्मल काफ़ी लोअर रैंक थे, लेकिन वो गेट क्वालिफाई थे, उस बेसिस पे मैंने उन लोगों को कहीं कहीं प्रोजेक्ट में अप्लाई करवाया था, और वो किसी ना किसी IIT में प्रोजेक्ट में इंटर कर गए, 6 महीने उसी वही प्रोजेक्ट में रहने के बाद नेक्स्ट वाले टर्म PhD। में उसी प्रोफेसर के अंदर उन्होंने PhD ज्वाइन कर लिया, JRF की जरूरत ही नहीं पड़ी, समझ रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, JRF क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब वहां से जब JRF हो गया, तो फिर 5 साल 4 साल में उनकी PhD हुई, और फिर और सबसे बड़ी बात, आप जितनी मेहनत अभी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, इससे कई गुना ज्यादा आपको लगातार 5 6 साल PhD में करनी होगी, इसके पेपर पब्लिश करने ठीक पड़ेंगे। है, और पेपर अच्छे पब्लिश करने होंगे, फिर जा करके आपको अच्छे जगह पोस्ट डॉक या आउट ऑफ इंडिया मिल सकता है, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया, मैं भी यहाँ काम कर रहा हूँ, यहाँ आप कितने भी जान पहचान या बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप यहाँ आके अच्छा काम नहीं करेंगे तो कोई आपको वैल्यू नहीं। हफ्ते भर के अंदर टर्मिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि कहावत होती है ना कि ये अंग्रेज हैं, ये किसी के नहीं समझते हैं, ये अपनों के भी नहीं होते हैं, सुबह 8 से 5 के टाइम में ये किस इनका कोई दोस्त नहीं होता, ठीक है ना। एक दिन पहले ये आपके साथ पार्टी भी कर रहे होंगे, लेकिन अगले दिन ऑफिस में आपसे काम का आउटपुट मांगेंगे, और दे नीड आउटपुट, अगर उनके पास आउटपुट नहीं हुआ, आपने प्रोजेक्ट के अच्छे काम नहीं किए हैं, आपसे नहीं हो रहा है, तो आपको ओपनली बोलना पड़ता है, एक्सेप्ट करना होगा, और उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। तो जो मेहनत आप कर रहे हैं अभी बहुत कम है, आपके पास नोट्स हैं, सर हैं, बताने वाले हैं, जिस दिन आप PhD में इंटर करोगे वहाँ आपको हो सकता है ऐसे सुपरवाइजर ना मिले जो आपसे फ्रेंडली हों या हेल्पफुल हों, तो ये कभी मत सोचना कि अब आपका खराब हो गया, नहीं, अब आपको PhD करनी है, क्योंकि ये आपकी PhD है, दिस इज योर PhD, यू हैव टू डील इट विद, और आपको उसका कंट्रोल लेना पड़ेगा, और तभी आप ले पाओगे जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अच्छे से कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है कि JRF कर लिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका JRF हो गया और इंटरव्यू में कुछ नहीं बोल पाते, और यही कारण है कि JRF या CSIR नेट का प्रेस्टीज थोड़ा डाउन हो गया आजकल, ठीक है ना, क्योंकि लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं, वो रिटेन की तैयारी ही इस तरीके से याद करके कर रहे हैं, नोट्स को याद करके कर रहे हैं, कि उनको टॉपिक समझ नहीं आ रही है, अच्छे से क्वालिफाई हो जा रहा है, समझ रहे हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि बस 1 महीना पढ़ लिया हो गया, नहीं, आपको अपना रूटीन ऐसा बनाना है कि ये अब आपकी लाइफ है और यही आपका दाना पानी है, सब कुछ है, तो इसी इसको अब आपको अच्छे से चलना है, ऐसा कि लाइफ के रूटीन में समा जाए आपको, ठीक है ना। ये जिस दिन आप कर लेंगे, आपको फिर ऐसा नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, कोई हो गया तो भी ऐसा नहीं कि बहुत खुश हो गए, अब आगे का क्वेश्चन ही नहीं ट्राई किया, ठीक है, आपको अपने टाइमिंग को समझना है, अभी बस यही टाइम है, मेरा एक ही सजेशन है
कि वो 3 घंटा का स्लॉट जिस समय आपका एग्जाम होगा उस दिन को, अभी से वो 3 घंटा का स्लॉट आपका हर दिन एक एग्जाम होगा, और हर दिन आप एक अच्छे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। अच्छा वाह सर, सर, बहुत अच्छा सर। ये चीज जानते हैं, ये मैं इस वीडियो को मैं आपको शुरुआत में कहा था सौरभ सर, कि ये मैं अपने कोई पाईएम के स्टूडेंट्स या वीकेंड के स्टूडेंट के लिए सेशन नहीं ले रहा हूँ। नहीं ये नहीं सेशन ऐसा तो तो लाइव नहीं। बच्चे हैं वीकेंड वाले, मैं इन्हीं इसीलिए रखा है कि ये लोग ट्रेंड बच्चे हैं और क्या पता इसमें मोस्ट ऑफ दिन का सिलेक्शन हो, पढ़े हाँ हुए हैं नहीं काफी हैं। देखिए, लेकिन मैं सिलेक्शन उन नहीं, बच्चों के लिए भी पूछ रहा हूं जो अभी इसमें लाइव नहीं है और अपनी नेट सीएसएल नेट की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। आप उनके लिए अपने एक्सपीरियंस के बल पर, आप हो योगेश सर हो डॉक्टर साहब हो, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कैसे लोग तैयारी स्टार्ट करें, क्या करें उसके लिए? कई पहले कंफ्यूजन तो होते हैं। आप भारत के एमएससी के स्टेट के, कई कोई बच्चे आईआईटी से एमएससी करता है तो कोई स्टेट से जाकर के करता है और वो भी अच्छा कर लेते हैं, तो पूरा को समग्र एक तैयारी के भी आप पे बताइए। देखिए, पहले तो ये है कि अगर कोई बच्चा जस्ट एमएससी फर्स्ट ईयर में है और उसको अगर सीएसआईआर नेट करना है, तो पहले ये डिसाइड करना होगा कि ना मुझे करना है, मुझे सीएसआईआर नेट करना है, मुझे जेआरएफ क्रैक करना है, मुझे रिसर्च में जाना है। अगर आपका ये टॉपिक है, ये ऑब्जेक्टिव है, तो आप सीएसआईआर नेट की तैयारी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि किसी भी इंटायर इंडिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसका एमएससी फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से कोइंसाइड करता है सीएसआईआर नेट के सिलेबस से। सेकेंड ईयर में आपके बहुत स्पेशल पेपर होते हैं जो नेट में नहीं, ठीक है, थोड़ा तो थ्योरेटिकल वहाँ होता। आप, हाँ तो वहाँ आप ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाएंगे। आपको फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर से ही तैयारी करनी है, क्योंकि एमएससी फर्स्ट ईयर जिसने अच्छे से किया उसको सीएसआईआर का 50-60% सिलेबस प्रिपेयर हो जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जो एमएससी फर्स्ट ईयर में तैयारी नहीं करते हैं, सोचते हैं अच्छा अभी एमएससी कर लें सेकेंड ईयर में करेंगे, वो नहीं होता, क्योंकि वहाँ स्पेशल पेपर आ जाते हैं आपको उसके अकॉर्डिंग। अगर फ्लूड डायनेमिक्स की बात करें, आपको एमएससी सेकेंड ईयर में पढ़ना है, वो आपके नेट में नहीं है, लेकिन पढ़ना तो वहाँ है, और फ्लूड डायनेमिक्स के बहुत अच्छे बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं, तो उस समय आप नहीं तैयारी कर पाएंगे कि बैठ के लीनियर पढ़ रहे हैं या आप मान लीजिए रियल एनालिसिस के बेसिक्स को पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको फर्स्ट ईयर में ही साइमल्टेनियस तैयारी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, किसी दूसरे के नोट से आप पढ़िए, ये आपके कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है, लेकिन आप अपना भी एक नोट्स बनाते रहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं कि योगेश सर का नोट्स है 2014 बैच के एक बच्चे ने दे दिया तो आप सोच रहे हैं कि अब मेरा भी नोट्स बन गया, ठीक है ना। मैं जानता हूँ कि वहाँ मार्केट में ऑटो बहुत स्टडी सारी दुकान पे सब दुकानों मिल में जाता है। मिलते रहती है और इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर सोच रहे हैं कि उससे कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो चीज़ें आज से 50 साल पहले भी वैसे ही अवेलेबल थी, बल्कि अब तो व्हाट्सएप पे घूमते रहते हैं सब कुछ। और अब व्हाट्सएप पे कोचिंग अपने साइट पे लिंक पे डाल रखते हैं, हर चीज़ आपके पास इजली अवेलेबल है। कोविड का एक फ़ायदा तो ये ज़रूर हुआ है, ठीक है, डॉक्टर साहब यहाँ हैं तो बता ही सकते हैं कि पूरी अच्छी से क्या फ़ायदा हुआ है। एक ऑनलाइन बूम आया है पूरे दुनिया में, तो आपको सोर्सेज की अभी कमी नहीं है। पहले पहले लोग चेन्नई जाना चाहते थे कि टाइम्स या वहाँ एक दो कोचिंग साइंस वाले होते थे जो नेट की तैयारी करवाते थे, चेन्नई तो मद्रास बोलते थे। अब ऐसा नहीं, अब आपके हर चीज़ आपके डोर स्टेप पे, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, तो क्या आप सभी का हो गया जेआरएफ? नहीं हुआ, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, नोट्स आपको अपना बनाना है। और मैं बता दूं कि आप रियल एनालिसिस को बहुत स्ट्रांग अगर अपना समझ रहे हैं, इंटरव्यू में आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना बेसिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूछ दिया, सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड कुछ पूछ दिया, आप सोचोगे ये बचकाना चीज़ तो रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है ना, जरूरत नहीं है सही में, लेकिन आपको उस लेवल से तैयारी करनी है कि वो सब कंक्रीट बनता चला जाए डे पर डे। हर दिन आप कुछ नया सीखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ाइए। और जो बच्चे सिर्फ स्क्रीन देख के पढ़ रहे हैं और नोट्स सिर्फ पेपर की तरह पलट रहे हैं, उनके लिए बहुत खतरे की घंटी है। हाथ में पेन पेपर ले लीजिए, जितना जल्दी लीजिएगा वो आपका हथियार है। बच्चों आप अब लोगों का कोई बच्चे क्वेश्चन हो, हाँ आप सर, लोग बच्चों से को, पूछ लीजिए, हाँ चुपचाप सुन बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल। जो नहीं, बच्चों ने जब मोर्चा नहीं संभाला तो मेरे को संभालना पड़ा, मैं कोई अपने नहीं, अब सारे आप बच्चे के बिहाफ पर। अब आप लोग एक्सपीरियंस होल्डर हो, पूरी तरह ट्रेनिंग लिए हुए हो, और आप लोग पूछ लो जो पूछना है। तो मैं समराइज कर देता हूँ ना सर। एक तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने, अच्छा खाना खाओ, सुबह 9 बजे की प्रैक्टिस करो एग्जाम में बैठने की, ठीक है ना। अब नोट्स जो बन गए बन गए, जैसे सादियान तो बड़े अच्छे नोट्स बना रखे हैं, अब शॉर्ट नोट्स सारे बना लो ना अपने खुद के,
ठीक है ना, अपनी सेहत का ख्याल रख लो, अपने माइंड का ख्याल रखो, बाकी थोड़ा बहुत इस बार अल्लाह पे छोड़ दो। हाँ, और अभी के समय में किसी से किसी तरह का लड़ाई झगड़ा टेंशन और इस तरह की इमोशनल ना ना बातें इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है। अब बिल्कुल चुपचाप रहना है, घर वालों से भी नहीं लड़ना, ठीक है? अब पूछिए सर बच्चों का कोई डाउट हो तो, ठीक है ना? वो कल ही इंडिया मैच जीता है सर, लंदन में हाँ कुछ वैसा देखो कुछ है वहां? अब किसी बच्चे का पिछली बार जे आर एफ ना हुआ, उससे पिछली बार ना हुआ, देखो इंडिया 10 साल से ट्राई कर रहा था ना, बल्कि 13 साल से, अब वर्ल्ड कप में मार गया मोर्चा, पीछा नहीं छोड़ा ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस लगे ही रहे बस, ठीक है ना? कितनी अच्छी बात है, अब वर्ल्ड कप भी हमारे साथ है, अब जल्दी से जे आर एफ भी हो जाएगा। हाँ जी, तो पूछिए कोई भी डाउट हो तो। हाँ सादिया जी, नेवर गिव अप, गिव अप। प्रीति जी, प्रीति को क्रिकेट की बहुत नॉलेज है, बच्चे तो बिल्कुल चुप बैठे हैं सर, कुछ पूछ ही नहीं रहे। भाई मेरे से कनेक्ट ज्यादा नहीं है सर, आप ही से कनेक्ट हैं, आप मैं ही तो बोलिए क्लास में कुछ कुछ उनको। बताता रहता था इनको। सर पार्ट सी में जो क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं तो उनको हम कैसे तुक्का मार के कैसे ठीक कर सकते हैं? नहीं तुक्का नहीं जैसे मारना, कुछ तुक्का ऐसा तो उसमें तो है ही नहीं, नहीं आता, बस तो समस्या यही है, नहीं क्यों नहीं आता, बात यही है ना, इसका मतलब नहीं आपको सर, रिजल्ट अप्लाई करने नहीं आते ना, नहीं सर, जो बात जैसे ये है। प्रोबेबिलिटी वगैरह के टॉपिक को हम नहीं पढ़ते प्रोबेबिलिटी हैं, और करने जैसे किस किसने बोला है आपको, प्रोबेबिलिटी करनी ही नहीं आपको, तो आपको तो रियल करना है, कॉम्प्लेक्स करना है, लीनियर करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन करनी, ये करने है आपको, तो 10 या 12 क्वेश्चन ठीक करने, बस 20 में से 10 10 ठीक कर दे बस, इतनी चॉइसेस आएंगे आपके पास, 120 क्वेश्चन है, उसमें से 35 36 क्वेश्चन तो करने हैं आपको टोटल में से, तो इसलिए सब कुछ नहीं करना। ये नेट का एग्जाम अगर आपका लोकल एग्जाम होता ना कोई, जैसे होता है ना वो स्टेट लेवल पे, उसमें तो सब कुछ करना होता है, यहाँ सब कुछ नहीं करना होता, यहाँ बहुत कुछ छोड़ना होता है, जितना करना है सॉलिड करना ना बस। तो आप पे पार्ट सी का क्वेश्चन और वो भी लीनियर अलजेब्रा का नहीं हो रहा, तो ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी ना, लीनियर अलजेब्रा का तो होना चाहिए, तो नहीं होना हो रहा तो कहीं ना कहीं गैप है भाई, आपको रिजल्ट अप्लाई करना नहीं आ रहा कुछ, तो देखो क्यों क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ पिछले पेपर सोल्व करो ना, बिगर किसी हेल्प के, अपने आप पता लग जाए कहाँ गैप है। अभी भी टाइम आपके पास 1 महीने भर का, खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है ना विवेक जी? ओके सर, हाँ टाइम है अभी भी आपके पास है, लास्ट के 10 दिन होते तो मैं कहता भाई आप तो आप कुछ प्रैक्टिस मत करो, आप तो नोट्स शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, अभी भी टाइम है। लीनियर अलजेब्रा का 1 हफ्ता लीनियर अलजेब्रा का दे ले, 1 हफ्ता रियल को दे ले, 1 हफ्ता कॉम्प्लेक्स को दे ले, 1 हफ्ता ओडी अप्लाइड को दे ले, अभी बहुत टाइम है। कुछ बच्चे तो लास्ट के 1 महीने में ही तैयारी करके जे आर एफ कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, दरअसल एक आपसे क्वेश्चन था कि अभी मैं 2 4 दिनों में देख रहा हूँ, जब एग्जाम नजदीक आ गए थे ना, 27 26 26 को होना था, 27 को होना था, तो आ गए थे, तो मैं देख रहा था कि सारे बच्चे जो मेरे से बात करने आ रहे थे वो अपना करीब करीब 50% माइंड से आ रहे थे। मतलब कि मैं जो बोल रहा था या तो वो समझ नहीं रहे थे या तो सुन नहीं रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे। तो और कई बच्चों में मैं देखा कि हताशा टाइप का या उड़ा हुआ चेहरा या ऐसे डर टाइप का, ये मेरे को फेस देख करके लगा। तो इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए? बच्चे डर क्यों जाते हैं ऐसे समय में? हाँ सर, ये बहुत बड़ा इशू है हमारे बच्चों के लिए। सर एग्जाम एक तरीके से डरने वाली बात कहें तो एग्जाम के किसी भी एग्जाम से डरना, थोड़ा सा डरना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो परीक्षा हेल्दी का डर डर। होता है, जो परीक्षा का डर होता है ना, वही हमें परीक्षा में पास करवाता है। और जो आप बता रहे हैं 50% मूड के साथ आते हैं, वो थोड़ी सी एंजाइटी हो जाती है, उन्हें लगता है कि इतने सब्जेक्ट हैं, इतने टॉपिक्स हैं, कैसे करेंगे। इसका रहता है ना कि एग्जाम के लगभग जब रिवीजन टाइम लास्ट के 20 25 दिन होते हैं ना, स्मूथली रिवाइज करना होता है, हड़बड़ी नहीं करनी है, टूट नहीं पड़ना है कि हम पूरा सब पढ़ के जाने, सब कुछ नहीं पढ़ के जाना होता है। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है अच्छे, थोड़ा सा क्वालिफाई से थोड़ा सा अच्छा करना है, 100% आपको नहीं करना है, ना 100% कोई कर पाता है। बस ये है, रिवाइज करिए रिवाइज करिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप कर ले जाएंगे, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना होता है। और
दूसरों के, जैसे सर ने अभी बताया कि दूसरों के नोट्स मेनली ऊपर से निकल जाते हैं एग्जाम टाइम में, जब तक आप खुद से कलम चला के उसमें कुछ लिखेंगे नहीं या खुद के नोट्स नहीं होंगे, अपने खुद के लिखे हुए जो होते हैं ना वो एग्जाम टाइम में हमेशा रिवाइज करने चाहिए। एंजाइटी के लिए वही मैंने बताया, लोड नहीं लेना है, मेडिटेशन लास्ट के 15-20 दिन में थोड़ा सा मेडिटेशन करना होता है, उसमें आपको एंजाइटी लॉस होता है, एंजाइटी जाती है। अब दवाओं पे मेनली मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जाम टाइम आ गया, मैं कोई दवा नहीं कभी रिकमेंड करूंगा एग्जाम टाइम में, तो बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम से मानिए, अगर आप कोई अपने मन से या किसी लोकल के कहने से दवा आप खा रहे हैं डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, कम से कम 10-15 दिन पहले बंद कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में ना दवाओं के साइड इफेक्ट अक्सर दिख जाते हैं। आप खुद भी लोड लेते हैं, दवाओं का भी वो रहेगा तो नॉट पॉजिटिव जाएगा उसमें, इसलिए बस धैर्य रखिए अपने ऊपर और स्मूथली रिवाइज करते रहिए, बस इतना इतने से हो जाना होता है। और ये मान के चलिए कि आपको 100% नहीं करना है, पूरे 200 में 200 नंबर आपको नहीं लेने हैं, ये मान के चलिए आपको मेरे लिए 130-150 तक में अच्छे से कवर हो जाता है, बस इतना फिफ्टी परसेंट चाहिए, स्कोर करना सर, 50%। बस सफिशियंट। उतना मान के चलिए कि आपको जो है 75 से लेके 50% तक में आपको अटेंड करने हैं, और 25% जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको जाने दीजिए, जिनमें आप नहीं अटेंड कर पा रहे हैं या जो ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं या जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं, लंबे क्वेश्चन होते हैं, उनमें हमेशा अगर आप समझ में आ रहा है तो उनका जो हेड एंड होता है ना शुरुआती, वो आप पकड़ के अंत तक चलेंगे तो आप लंबे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। मैंने लंबे क्वेश्चन में क्या होता है ना कि शुरुआत से पढ़ते जाते हैं, लास्ट तक जाते जाते भूल जाते हैं कि शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, तो वहां टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाता है। इसलिए अगर आप अटेंड करना चाहते हैं बहुत लेंदी क्वेश्चन, अगर टाइम है आपके पास, तो शुरुआत में जो है वो अंत तक पकड़े रहिए कि शुरुआत में क्या कहा हुआ, क्या पूछना चाह रहा है वो, बस इतना रहता है सर। एक बच्चों के पास अक्सर समस्या आती है सर, ओवर लुक की। बच्चा गलती देख लेता है, गलती समझ लेता है, गलती देखना या नहीं देखता है, ऐसा भी आया है कि भाई ये भी क्वेश्चन आया था, एग्जाम के बाद देखेगा वो कहेगा कि ये भी क्वेश्चन आया था, तो दिखाई नहीं, तो ऐसे चीज को पहले कैसे किया जाए? सर ये रहता है ना कि आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाना, ये रिवीजन का मतलब वो रहता है, अगर रिवाइज अच्छे से नहीं कर पाते ना या कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते ना, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नहीं मैंने, गलत, अच्छा ओवर लुक सर, मैंने क्वेश्चन ही नहीं दिखा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो है ना वो दिखा ही नहीं, वो हल्का क्वेश्चन था। दरअसल मैं भी समझ रहा हूँ कि हल्के तो सब हो जाएं एग्जाम में, भारी जी ना हो चलेगा, लेकिन हल्के तो सब हो जाएं, लेकिन कभी कभी ऐसे कई बच्चों के साथ देखने को मिला है कि ये भी क्वेश्चन नहीं आया था, ये तो दिखा ही नहीं मेरे को एग्जामिनेशन हॉल में। इसके लिए तो सर कुछ खास नहीं है, बस ये है कि ध्यान से क्वेश्चन रीड करना होता है, क्वेश्चन आपको वहीं मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में मिलता है, ऐसा तो प्रेजेंस नहीं, ऑफ माइंड ताकि चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, जी सर। अब ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन सबके लिए वही है और आपके लिए नहीं रहेगा, आपके लिए रॉल लॉस हो जाएगा, मेनली ये ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन मिल जाना होता है उसमें। ऐसा हमें लगता है ना कि बच्चों को लास्ट मोमेंट में अपने आप को खुश रखना होता है, तो शायद सब पूरे अच्छे परफॉर्म अपने आप को अच्छे तरीके से कर पाए, हाँ जी, और उसके लिए लास्ट में स्टेबल रखना होता है, आत्मविश्वास अपने ऊपर रखना होता है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, ना तो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाने कि हमको आता है ये आता है, सब नहीं आता है, मान के चलिए, यकीन मानिए 100% किसी को नहीं आता है, तो ये एक्सेप्ट करिए और ओवरफ्लो में मत चले जाइए कि हमें आता है हमें आता है, नहीं, ठीक है आता है हम कर ले जाएंगे बस। सादिया बोल रही है सब धुंधला दिखता है। सादिया जी, ये घंटे बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, तो ये घंटे जैसे बाद सब पेपर दिखेगा, चाहे पेपर सामने कितनी भी आता है हैवी सब टेंशन दिखने लग हो, जाता है, एक घंटे बाद ठीक हो जाएगा सब कुछ। पेपर सामने आते ही सब दिखने लगेगा, तब बशर्ते ये धैर्य रखिए अपने ऊपर, अपने ऊपर एड्रेनलिन, जैसा सर ने बोला ना, अपने एड्रेनलिन लेवल पे कंट्रोल रखिए, ओवरफ्लो हो जाए क्वेश्चन छूट जाएंगे उसमें, जैसे सर ने कहा कि दिखता नहीं क्वेश्चन, एड्रेनलिन एक्साइटेशन वो कहलाता है, हार्मोन कहलाता है, वो जब ज्यादा हो जाएगा ना मिस कर जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन मिस कर जाएंगे, ये रहता है, कंट्रोल में रखना होता है कुछ आधा पौना घंटे के बाद सर सब स्टेबल हो ही जाएगा, कितनी भी हैवी जी टेंशन क्यों ना हो। जी 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 ये कहानी है। हाल तो फिलहाल बच्चों एक बच्चे आए थे अब सर, एक बच्चा आया था, हाँ वो मैंने अभी रेगुलर के बच्चे हैं, वो आए थे, उसको क्या टेंशन हुआ कि दूसरा बच्चा अच्छा कर दे रहा है, पूरा बना रहा है, और मेरे से क्वेश्चन निकल नहीं रहा है, और इस वजह से वो भरपेट रोई। ईर्ष्या ठीक, तो ये सब परेशानियां को मेरे मैंने जिस चेयर पे मैं बैठा हूं उस चेयर को से हैंडल करना मुश्किल हो जाता है कि अब ऐसी परेशानियों को कैसे सॉल्व किया जाए।
ये तो फिर ईर्ष्या की प्रॉब्लम होगी ना सर, कि एक दूसरे से ईर्ष्या होगी, उसका हो गया, मेरा रह गया। अभी ये सर रिवीजन की कमी कह लीजिए इसको, रिवीजन की कमी, हमने रिवाइज नहीं किया इसलिए हमको नहीं पता है कि इसमें करना क्या है, कि इतना उसका बड़े से। ध्यान उस जिसका सोल नहीं हो रहा, उसका ध्यान उस चीज पे है ना कि उसका क्यों हो रहा है, इस जी बात पे जी नहीं कि मेरा क्यों नहीं हो रहा जी एग्जाम में ऐसा होता है कि सामने वाला 5 कलर की पेन ले लेता है, स्केल ले लेता है, हमें पता ही नहीं है। चलता यार इसका क्या काम था इस क्वेश्चन में। वो वैसे ऐसी बोका जी जमाने के लिए। जी जी ऐसी सिचुएशन तब हो जाती है। तो चलिए सर बच्चों, बताइए हम। और कोई क्वेश्चन हो तुम लोग का, तुम्हारे साइड से तो क्वेश्चन ही आना बंद हो गए, मैं ही पूछे जा रहा हूं, आपने आप इन लोग भी बच्चों के सारे पूछो। क्वेश्चन पूछ लिए सर? हाँ जी राहुल जी, बिल्कुल ठीक कह रहे, सब अच्छा होगा। सर एक हेलो। डाउट है मेरा। हाँ हाँ जी सर, जैसे पार्ट बी में एक क्वेश्चन मतलब एक ऑप्शन सही हो, तो उसमें ऐसा कभी कभी हो जाता है कि दो ऑप्शन में फंस जाते हैं, तो उस सिचुएशन में मतलब तुक्का मारना सही रहता है या फिर छोड़ देना चाहिए उस क्वेश्चन को? वो तो इस बात पर डिपेंड कर रहा है आपका स्कोर कितना बन रहा है। अगर स्कोर ठीक ठाक है, रिस्क लेने के लायक है, तो देख लो भाई, दो ऑप्शन में फंसे हुए, मोस्ट स्टेबल कौन सा हो सकता है। तो वो तो डिपेंड करता है ना कि आप किस लेवल पे खड़े हो। अगर आपका स्कोर 100 से ऊपर है तो फिर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, और रिस्क लेना भी है तो सर, पार्ट सी में लेकिन लो ना। मेरा सर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तुक्का मारा हुआ हमेशा गलत ही मिला है मेरे को। सही सही नहीं तरह से तुक्का होता नहीं, है। इसमें तुक्का नहीं कर, सादिया ने पूछा कि 4 में से 2 ऑप्शन तो डिस्कार्ड कर दिए ना, तो अब तो 50% चांस रह गए, तो इसमें ज्यादा चांस ठीक होने के, 2 बच गए ना। अगर चारों ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए तो उसको, फिर तो कुछ भी ना है, वो तो क्वेश्चन दूर दूर से वो छोड़ने ही पैदा है। लेकिन अगर 4 में अगर 2 आपने पहले एलिमिनेट कर दिए हुए हैं, 2 बचे हुए हैं, तो आप 2 में रिस्क ले सकते हैं कि हाँ फिर उनमें तो आप आप ये क्वेश्चन के बारे में देखिए। बहुत कुछ जानते हो। तो जी अच्छा ऐसे ये इस पार्ट सी में लो, जहां पर नेगेटिव मार्किंग ना हो ना, वहां लो ना। सौरभ सर अपने तरफ से कुछ सलाह दे दीजिए बच्चों को, जो आपने इतना देर में देखे समझे, एक समराइज करके बतला दीजिए कि क्या सलाह 25 दिन पहले, पच्चीस एग्जाम दिन के पर 25 दिन पहले, ये माइंड में रख के। हाँ मैं वही उसी में जोड़ूंगा जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको अपने स्लीप साइकिल पे ध्यान देना है, अपने आप को धैर्य में रखना है, पेशेंस में रखना है। इट इज़ नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड, जे आर एफ होना नहीं होना बहुत छोटी बात है आपके लिए, ये अभी आपको बहुत बड़ी लग रही है, जिस दिन हो जाएगी आपको पता चलेगा कि कितनी छोटी बात थी। इसीलिए जेलसी की भावना मत रखिए एक दूसरे के प्रति, आप एक दूसरे की खूब हेल्प कीजिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ पे अभी हूँ, मैं यही मुझे यही लगता है कि एक दूसरे की हेल्प करने से अच्छा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, आप अपने उस 3 घंटे को हर दिन अपने लिए बचा के रखिए, जिस 3 घंटे में आपका एग्जाम है, वो 3 घंटा आपको डेली अच्छे से 3 घंटा बैठ के पेन पेपर लेके पढ़ना है। वो 3 घंटा आप कभी किसी को मत दीजिए, अभी से लेके एग्जाम के दिन तक। ये 3 घंटा आपके बॉडी को ऐसे साइकिल में डाल देगा कि जैसे ही वो 10 बजेगा, आपका बॉडी बोलेगा नहीं है, बैठो प्रॉब्लम सॉल्व करो। आपको वो प्रैक्टिस अपने माइंड बॉडी में एकदम इंटीग्रल इंटीग्रिटी के साथ लाना है कि नहीं, दोनों एक, जैसे ही वो टाइम आ रहा है मेरा फोकस बिल्कुल वहां जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी नया टॉपिक प्लीज ऐड मत करना कि मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा वो टेस्ट पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा न्यूमेरिकल मेथड्स के भी एक दो ट्रिकी क्वेश्चन वाले जो रटे हुए हैं वो सब कर लेता हूँ, पता चलेगा कि आप कर तो लो। क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स का मेथड होता है ना, मार्को चेन, उस पे ही पहुंच जाते हैं बच्चे। नहीं, उस पे भी जाते हैं, मैंने ये भी देखा है, ओपन मैपिंग थ्योरम कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन बाद में जाकर के ओपन मैपिंग थ्योरम के नोट्स दोस्तों से लाके पढ़ रहे हैं। क्या होने वाला, उससे क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला है। फंक्शनल कॉम्प्लेक्स के थ्योरम्स को आप पहले कभी नहीं समझे और अब उसको समझने बैठ रहे हो, तो अभी नहीं होगा। अभी आप अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड किए हुए टॉपिक, जिसको जिसमें आपका अच्छा प्रैक्टिस है, उसको और स्ट्रॉन्ग करो। और स्ट्रॉन्ग करने का सिंपल तरीका है, अगर आपको लगता है कि आपने लीनियर अच्छा से पढ़ा है, तो लीनियर में पार्ट सी के सभी प्रॉब्लम जो पिछले 5-10 साल के हैं उसको बिना किसी हेल्प के सॉल्व कीजिए। और वो सॉल्व कब कीजिए, जब वो 3 घंटा का टाइम स्लॉट बन रहा है हर दिन, अभी से लेके एग्जाम के दिन तक। वो 3 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है बहुत लोग एग्जाम के टाइम में जाते हैं, बोलते हैं मुझे नींद आने लगी, मेरा सर दर्द होने लगा,
मन नहीं लग रहा था रात में, तो मैं तो अच्छे से पढ़ रहा था। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि वो 3 घंटा आप आखिरी 10 दिन कभी पढ़े ही नहीं, वो 3 घंटा आप घूम रहे हो या कुछ बोल रहे हो, कुछ डिस्कस कर रहे हो दोस्तों से, ठीक है। और एक चीज मैंने देखा है कुछ लोगों में कि वो सोचते हैं मेरा ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग है, एग्जाम में जाएंगे, उनका प्रॉब्लम एक नहीं सॉल्व हो रहा है, उसको ईगो बना लेते हैं अपने, कहते हैं ना मान सम्मान की बात वहां पे बना लिया, उसमें लग गए पूरी तरीके से, और उसके चक्कर में उन्होंने आधा घंटा वेस्ट कर दिया। आप ये नहीं देख रहे हो कि पार्ट बी में भी 1-1 मिनट में सॉल्व होने वाले प्रॉब्लम है जो आप छोड़ के आ जाते हो पार्ट ए में, और वही 2 नंबर 4 नंबर से पता चलता है, कभी LS छूट गया, कभी आपका JRF छूट गया, ठीक है। तो जैसा कि कहा ना सर ने कि क्वेश्चन ही नहीं दिखा, और अक्सर ऐसे जो क्वेश्चन नहीं दिखते हैं ना वो बहुत हल्के वाले ही होते हैं जो नहीं दिखते, ठीक बिल्कुल बिल्कुल। है। अच्छा योगेश सर, हम लोग 6 महीना पहले बच्चों से कुछ कमिट किए थे, हाँ और आपको याद होगा आपके साथ मैं अक्सर एग्जाम सेंटर पर जाता था, एक दो बार मिश्रा सर के साथ बिल्कुल भी जाता था, और ऐसे बहुत कम कोचिंग इंस्टीट्यूट या न के बराबर हैं हमारे अलावे, ये मैं गर्व से कहता हूँ, क्योंकि जिस सेंटर पर मैं जाता था उस सेंटर पर तो मुझे नहीं दिखते थे कोई कोचिंग वाले। हाँ पंपलेट बांटने वाले जरूर दिखते थे, लेकिन वो तो हर किसी के होते हैं। एक टीचर फेस करने जाए स्टूडेंट को, ये कभी नहीं दिखा। आज मैं उन बिल्कुल अपने सारे बच्चों से जो रेगुलर पढ़ चुके हैं, वीकेंड पढ़ चुके हैं बच्चों, तुम लोग से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मैंने जो शुरुआत में कमिट किया था जब आप आए थे उसका पालन हुआ, और नहीं अगर हुआ है या कोई सजेशन देना चाहते हो तो बिल्कुल दे सकते हो, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो 25 दिन के अंदर करके दिखाऊंगा। इसके बच्चों ने बाद कुछ तो बोला है सर, एक तो टेस्ट के लिए बोला है, फुल टेस्ट के लिए बोला है, एक 2023 का पेपर डिस्कशन के लिए बोला, एक दो बातें बोली हुई मैंने नोट कर लिया, वो तो बोल दिया, और बाकी पूछ लो क्या जानते बताइए हैं भी। सर, सौरभ सर आज आपके गए हुए 4 साल हो गए, 4 साल पहले तक कहानी कुछ थी, अभी कहानी थोड़ी सी बदली है, क्योंकि मैं लाइव और इस चीज को पब्लिकली भी मैं बोलूंगा, पब्लिकली इसको करूंगा वीडियो को। सबसे ज्यादा टॉपिक को टच आनंद सर करते हैं, सारे टॉपिक, 2010 से पहले स्टैट भी पढ़ाते थे, हाँ, सारे टॉपिक। आई थिंक अजय जी मैं ये बात कहना चाहूंगा, हमारे बच्चे जो हैं ऐसी बातें, उन्होंने बहुत मेहनत की है, ठीक है ना। बस अभी ये उनको चाहिए, घबराना नहीं है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि जब मैं यहाँ के, कहते हैं ना अपने इंडिया को तो लोग थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है, यूरोपियन कंट्री या US को तो लोग बोलते हैं कि लीडिंग कंट्री है, मैं यहाँ के बच्चों को देखता हूँ, मैं बहुत भरोसे से कह सकता हूँ कि यहाँ के बच्चों की तुलना में आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। बस खुश रहिए, थोड़ा सा भरोसा रखिए, एग्जाम पास होना नहीं होना आपका जिंदगी नहीं बनाने जा रहा है। JRF होने के बाद भी लोगों को मैंने बहुत दुखी देखा है, योगेश ने भी साथ में मेरे IIT दिल्ली में रहा है, वो भी, उसने भी देखा है फेस टू फेस, लोग JRF करके आ रहे हैं, लोग SPM करके आ रहे हैं, आजकल तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं, इंस्पायर हो गई है या PMRF हो गया है, लेकिन वो इतने दुखी होते हैं, पता नहीं क्यों दुखी होते हैं। कुछ बच्चों का JRF नहीं हो रहा है इसलिए दुखी हैं, उन लोग का हो गया फिर भी वो आपसे भी ज्यादा दुखी। तो ये मत सोचिए कि आप नहीं कर रहे हैं, आपने बहुत मेहनत की है, थोड़ा सा कमी अगर रह भी गया तो घबराना नहीं है, ये छोड़ने वाली चीज नहीं है, बहुत नजदीक हैं आप, ठीक है ना, बहुत नजदीक हैं, बस लगे रहिए, अगले 20-25 दिन बहुत ही शांतिपूर्वक आराम से तैयारी करते रहिए, एग्जाम खुशी से दीजिए, और एग्जाम के बाद स्पेशली एग्जाम के बाद बहुत बच्चों को देखते हैं क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो अच्छी बात है, टीचर से करें वो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से डिस्कस ना करें कि उसको आप अपना एक ईगो बना लें, उसको उसी में लग जाएं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जाम खत्म हुआ, आगे बहुत सारे एग्जाम है, ठीक है ना, बहुत सारे आउट ऑफ इंडिया वाले भी एग्जाम है जो सिर्फ MSc लेवल पे आप दे सकते हो, ठीक है ना, ये नेट जा रहे तो सिर्फ इंडिया के लिए है ना, तो आप तो बहुत एग्जाम दे सकते हो, तो वो ये सोच के आपको चलना है। अभी बहुत सारे आप देखिए नाइजर और आइजर में जो PhD इंटरव्यू के लिए बच्चे जा रहे हैं, जनरली हमारे GSRI के बच्चे जो कोचिंग से तैयारी करके जाते हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस उनका अच्छा नहीं होता, ठीक है ना, फिर वो इंटरव्यू के 6 महीने तैयारी करते हैं और तब उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, कहीं ना कहीं आप बेसिक भी तो छोड़ के चले जाते हैं। तो अपना चीज को ध्यान रखिए, खुश रहिए, आपने अच्छी तैयारी की है, भरोसा मानिए, आप अपने को अगर सिर्फ अच्छे से वहां पे आपने एक्सिक्यूट कर दिया, आपका माइंड नहीं है, वो आपका एक ऐसा चीज है जिसको आपने प्रिपेयर किया है इतने दिन, तो आपको उसी को बस वहां परफॉर्म करना है,
खुश रहिए। मेन है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा ना, बहुत लोग जाके घबराने लगते हैं वहां पर, कि पहले आधे घंटे में इतना घबरा गए कि कुछ हुआ ही नहीं, बहुत चीज छोड़ के आ गए। ऐसा नहीं है, JRF 40-45% योर JRF इज सिक्योर, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है, और स्पेशली मैं फीमेल जितने हमारे स्टूडेंट उनके लिए कहना चाहूंगा कि आप लोग ये मत सोचिए कि आपका JRF हो गया तो बहुत लाइफ हो गया। मैंने ऐसे बच्चों को भी अपने ही आनंद कोचिंग में ही देखा है पायम में, कि वो सिर्फ इसलिए आ रहे थे कि उनको शादी करनी है या कुछ हाँ, घर इस वालों ने तरह भेज की दिया। चीजें हैं, घर वालों ने भेज दिया है, उनको यहाँ मन नहीं लग रहा है, एक भी क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अब आप वहां पे टीचर हैं। की हेडक सबसे बड़ी वही होती है, हाँ उनको समझ में बहुत आता नहीं और टीचर हाँ, गाता रहता है। टीचर सोचता कि मेरी कमी है, बच्चे की कमी होती हाँ है। वही चीज है। अब मैंने कई बार देखा है कि बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन भी वो लोग छोड़ के चले आते हैं कि नहीं, मुझे ये करना ही नहीं था, मुझसे हुआ ही नहीं, मैं डर गई, दो प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं एकदम डर गया, मैं डर गई सर अरे सर, एक अभी दिन तो एक करो। बच्चा ही आया हुआ था, अजीत सर के सामने डिस्कस कर रहा था, ओड प्लस इवन, ओड होगा कि इवन होगा, वही परेशानी थी उसकी बहुत बड़ी। अब मैं सही क्या करूं, बताए। इसमें हैंडल कैसे करूं? नहीं तो ये चीज वही है ना, कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, आप जितना पढ़ते हो, हम लोग इंडिया में जितना पढ़ते हैं ना अभी भी बैठ के एज ए स्टूडेंट, अब दुनिया उससे बहुत अलग हो चुकी है, लोग नहीं पढ़ना चाहते। हमारे इंडिया में ही हायर एजुकेशन में इतने लोग आ रहे हैं जितने आउटर वर्ल्ड में हैं ही नहीं। उनको चाहिए, उनको स्टाफ चाहिए यहाँ पे हायर एजुकेशन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग टेंशन नहीं लेना चाहते, उनको लाइफ अलग है। इंडिया में लोग हायर में एजुकेशन डेवलप जितने हो जा चुके रहे हैं। हैं, हाँ बहुत हो गया, यहाँ सेचुरेट हो गया, लोग नहीं जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन में, इक्के दुक्के जाते हैं। और जो भी वही जो साइंटिफिक माइंडसेट के हैं या उनको उसी में इंटरेस्ट है, तो आप अपना इंडिया से बुला इंटरेस्ट लेंगे बढ़ाए, उनको। इसीलिए तो आउटसोर्सिंग हो रही है ना। आप पूरे यूरोपियन यूएस में देखिए, जितने इंटायर साइंटिफिक प्रोजेक्ट हैं, हर किसी में आपको इंडियन ओरिजिन के स्टूडेंट्स और प्रोजेक्ट स्टाफ मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हायर एजुकेशन के इंक्लिनेशन घट चुकी है लोगों को। तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं JRF नहीं भी बिल्कुल हुआ है। तो भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना, ऐसा गेट के बेस घबराइए पे नहीं। कितने बच्चे होते हैं, जीआरएफ होता नहीं, गेट के थ्रू पीएचडी निकल जाते हैं आईआईटी में। सभी चले जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। कई फैकल्टी हैं, मैं IIT के बता दूं, उनका JRF नहीं है, लेकिन दे आर IITs हाँ, में वो तो अपने साथ फैकल्टी हैं। पढ़े हुए कितने बच्चे हैं, और उनका हाँ जीआरएफ आज तक हुआ नहीं, होगा भी नहीं। होगा, अब क्या होगा, अब तो फैकल्टी बन गया, अब कहाँ देने जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, खुश रहिए, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, आप अपने रिवीजन ये नोट्स पे एग्जाम्पल मैं बैठ देता रहता जैसे हूँ बच्चों को क्लास में। बैक टू सर, बैक चाहिए। डॉक्टर सर, थोड़ा सा लास्ट में बता दीजिए, बच्चे लास्ट 25 दिन में करें क्या, क्या ना करें, क्या ना करें और क्या करें, ये सलाह दे दीजिए। लास्ट के टाइम पे सर मेनली रिवाइज करने का टाइम होता है, और ये पूरा सिलेबस पढ़ने का चक्कर मत पड़िए। जो शॉर्ट नोट्स टाइप में आपने बनाए हुए हैं, जो अच्छे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने ऐड किए हुए हैं नोट्स में, खाली उन पे रिवाइज करिए। कूल रहिए, शांत रहिए, और ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट, एग्जाम टाइम में ना सर ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं रखिए, सिंपल अपने काम से काम रखिए इस टाइम। ज्यादा वो कर मतलब इंटरेक्शन रखेंगे थोड़ा सा टाइम वेस्टेज होता है उसमें, और एग्जाम टाइम में सब अपना अपना पढ़ते हैं। आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप पढ़िए, और बस खाली इतना और करना, और कुछ खास नहीं करना है। नहीं, ये नहीं बताएंगे चाय नहीं पीना है। वो तो मैं बता चुका है ना उसमें। वेजिटेबल शाम को सर खाइए खूब सारे, फ्रूट्स खाइए खूब सारे। शाम 6 बजे के बाद ना, शाम 6 बजे के बाद चाय और कॉफी आई थिंक ना ही लीजिए, क्योंकि उससे आप फिर 10 बजे जो आपका आपने सोने का टारगेट रखा ना, वो आप नहीं सो पाएंगे, आप लेटे रह जाएंगे, आप 3-3 घंटे जगते रह जाएंगे। आपको लगता है कि आप लेटे हैं लेकिन आप सो नहीं रहे हैं, आपको सोना है 10 बजे, और सुबह 5 या 6 बजे तक आपको उठ जाना है। शाम 6 बजे के बाद आप चाय या कॉफी मत लीजिए उसमें, और बाहर का खाने से फिलहाल अभी बचिए, जो आप रेगुलर शेड्यूल में आप उतना मैं खाइए। डॉक्टर साहब की और बातों सपने में एक लीजिए चीज अच्छे जोड़ना अच्छे फ्यूचर चाहूंगा, के। मैं डॉक्टर साहब की बातों में एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि शाम में चाय मत लीजिए 6 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, और मोबाइल भी मत हाँ, लीजिए। वो तो एडिक्शन के सही बात से, है। आप रील्स स्क्रॉल करते जाएंगे, 6-6 घंटे कब बीत जाएंगे नहीं पता चलता उसमें। और एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ, सपने लीजिए अच्छे फ्यूचर के। सोचिए अपने हाँ आप को कि मैं कहीं फैकल्टी लग चुका हूँ, जेआरएफ करके, गेट करके। अच्छे अच्छे सपने लीजिए, खुश रहिए, जो होगा जो होगा। भरोसा रखिए अपने ऊपर कि आपको ही करना है और आप कर ले जाएंगे। ये पुरानी कहावत है कि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। हार नहीं माननी है आपको, ये मानना है कि हम कर ले जाएंगे और मुझे ही करना है, तो आप निश्चित कर ले जाएंगे। मैं खुद देखिए, मैं एमबीबीएस के लिए जब मैं था,
सर आप भरोसा नहीं करेंगे, मेडिकल में इतना वो है ना, एक नंबर पे आप 250-250 कैंडिडेट तब घुसते थे, आई थिंक 2012-13 तक, तब ये था ना, मैं 3 बार, 3 बार विद 2 नंबरों के गैप से मैं काउंसलिंग हॉल से लौटा हूँ। शायद लगता था बताओ। कट ऑफ नीचे गिरेगा, लेकिन नहीं गिरता था। ये 2011 में हुआ था ना, 141 रैंक कट ऑफ हुई थी, उसी में काफी लोगों को मिल गया था और काफी लोगों को नहीं मिला था, जिनमें मैं भी एक था, नहीं मिला था। तो सेम रैंक। लेकिन और छोड़िए नहीं, छोड़िए नहीं, हार मत मानिए, छोड़िए, अब अब होगा। जमाना ऐसा आ गया कि घर पे नहीं पेपर हो जाता कई बार तो। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन, करते रहेंगे, हो जाएगा। ठीक है सर, चलो ठीक है, सर, बच्चों का और बिल्कुल डाउट है तो पूछते रहना, बताते रहना। बिल्कुल बाकी अगर मेरे लायक कोई वो रहे तो आप अजीत सर के थ्रू आप वो कर, बिल्कुल मैसेज सर, करके कर आप दीजिए। ठीक है सर। सर ठीक है सर, सर एक आए। डाउट है सर। हाँ हाँ जी, सर, हम लोग का 21 तारीख को सेट का एग्जाम है छत्तीसगढ़ का, उसके बाद फिर 27 को नेट का एग्जाम होगा सर, तो हम लोग मतलब अभी किस पे ज्यादा फोकस करें सर? 21 तारीख को किस चीज का एग्जाम है? तो छत्तीसगढ़ में सेट का। सिलेबस तो सेम ही होगा ना, हाँ सर, लेकिन पार्ट ए भी है ना, तो वही समझ नहीं आ रहा किस पे ज्यादा फोकस पार्ट ए करें। का क्या करने के चक्कर है, दोनों पे फोकस नहीं करेंगे जो सर, सेम ही सिलेबस है। तो पार्ट ए को तो हम इग्नोर वैसे ही करके चलते हैं। नहीं सर, क्या बोलते हैं वो वाली पेपर होती है ना, पेपर वन में, जिसमें क्या बोलते हैं वो रिसर्च मेथोलॉजी ऐसे ये सब आते हैं। वो आते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लो उसका भी, नहीं, मेन सर फोकस मैथ्स। वो हाँ, नहीं भी करेंगे तब पर भी हो जाएगा। तब भी मैथमेटिक्स से कर अच्छा, लो ना, उस पे स्कोर एक उसको तो कौन प्रो, पढ़ेगा? आप ही के और जैसे तो कौन सब जानता कंपटीटर उसका। रहेंगे आपके, आपके यस जो सर, भी यस, कंपटीटर मेन होंगे वो आप अपने ही के मेन जैसे कंटेंट के ऊपर होंगे। जाओ। लेकिन यस उसमें सर, थोड़ा एक ध्यान रखना आपको, वो उसमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जैसे कि फंक्शन वाला टोपोलॉजी, हल्के हल्के तो क्वेश्चन आते हैं ना, वे एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे आपको स्टेटमेंट बेस पे। यस सर, तो अपना मेन अपना करके जाओ नेट वाला, प्लस कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे दो उसको भी, जैसे कि थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी पे, स्टैटिस्टिक पे क्वेश्चन आ जाते हैं, चार पांच फंक्शन के आ जाते हैं, चार पांच टोपोलॉजी के आ जाते हैं, वो भी थोड़ा करना पड़ेगा उसमें, लेकिन नेट के ठीक लिए है ये सर। करने की जरूरत नहीं है। यस सर, ठीक है ना, तो उसके साथ तैयारी करो ना इसकी भी। ठीक है सर। और मेथोडोलॉजी वेथोलॉजी वो किसी किसको आते हैं, किसी को नहीं आते हैं तो। एक